सिद्धि मतलब क्या? सिद्धि इज परफेक्शन. हाँ, तो वो दो अंग है गणेश के. आप भाई रिचुअल राइचियस भी बनो, देन यू विल मूव टूवर्ड्स द परफेक्शन. गेटिंग इट? सो ऐसा नहीं है कि भाई दो बाजू में दो है गणेश के. नहीं, लोग तो वही मीनिंग लेते हैं जो दिखता है ना, फॉर्म में ही तो फंसे हैं सब, पर उसके पीछे तत्व को देखना चाहिए हमको. ठीक है. और गणपति को क्या चढ़ाते हैं हम पूजा में? दुर्वा, है कि नहीं? दुर्वा आप देखो नॉर्मली आपको मिलेंगे 3 या 5 के इसमें अंकुर में, है कि नहीं? 3 क्या है? 3 गुणों से बना है ये दुनिया, 5 तत्वों से बनी है ये दुनिया. ये भी इंटरप्रिटेशन आपको सुनने मिलेगा, वो 3 अंकुर दुर्वा का है, दैट इज नथिंग बट शिव पार्वती एंड गणपति. सो ये दुर्वा क्यों चढ़ाते? देखो कितने इंटेलिजेंट है हमारे ऋषि मुनि ना. दुर्वा में क्या है, क्या करता है हमको? डिटॉक्सिफाई करता है वो हमको. इसलिए देखो कई बार मन स्थिर नहीं है, रात को स्वप्न भी आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, पिलो के पास क्या रखते हैं? दुर्वा रखते हैं. वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है दुर्वा. इसलिए जहां ज्ञान है वहां क्या है? पॉजिटिविटी है, प्यूरिफिकेशन है. इसलिए दुर्वा चढ़ाते हैं उसको. ये बहुत गुणकारी है दुर्वा. और दुर्वा का लिटरल संस्कृत में मतलब क्या है पता है? जो तत्व, कोई भी अच्छे तत्व को, पॉजिटिविटी को पास में लाना, मतलब दुर्वा. गेटिंग क्लोजर टू द पॉजिटिविटी इज दुर्वा. और वही करता है, इसलिए ये सब दुर्वा लगाया है फिर. और ऐसे बोलते हैं इट इज कूलेंट. दुर्वा इज व्हाट? कूलेंट, शीतलता लाता है वो. इसलिए बोलते हैं ना कि किसके साथ युद्ध हुआ था? अनलासुर के साथ. सुना है आपने स्टोरी? अनल मतलब फायर, तो वो राक्षस था, असुर, अनलासुर. उसके साथ युद्ध हो गया एंड ही वॉज थ्रोइंग फायर बॉल्स. तो वो सब गणेश क्या कर रहा था? गल्प कर रहा था. ओनली नॉलेजेबल पर्सन कैन डाइजेस्ट नो अदर्स फायरिंग फायरी मोड. यस और नो? सो ही वॉज गल्पिंग दैट, बट हाउ मच कैन यू गल्प? तो उसको शीतलता लाने के लिए शिव जी ने क्या किया? चल भाई मून को लाते तुम्हारे सर पे, थोड़ी शीतलता आ जाए, दिमाग ठंडा हो. किसी ने मून दिया, फिर किसी ने उसको सर्प दिया, भाई थोड़ा इधर ध्यान रखो, थोड़ा और बढ़े नहीं, और बढ़े नहीं, टाइट बांध के रखो, उधर अवेयरनेस रखो. कितना गल्प करोगे आप? बट ऐसे बोलते हैं कोई संत आए वहां से, ऋषि आए वहां से, उन्होंने उनको क्या दिया? दुर्वा दिया. तब वो दुर्वा लिया उन्होंने और उनका शमन हो गया अग्नि का. सो कमिंग बैक टू अवर व्हाट? सोर्स हर्ब्स, नेचुरल हर्ब्स. कमिंग बैक टू दैट सोर्स अगेन, कि यदि कुछ सिस्टम में भी गड़बड़ है, अपचन है या कुछ है, भाई वो क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक्स पे मत जाओ, हर्ब्स में आ जाओ. और इसीलिए दुर्वा बोलते कि वो शमन करता है, अंदर कूलिंग देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है मन को भी, फायर को भी. और गणेश को क्या बोलते हैं? किसकी देवता है वो? विद्यादाता. क्या बोलते हैं? विद्या. जो हमको विद्या प्रदान करता है, बुद्धि, बुद्धिदायक बोलते हैं उसको, बुद्धि प्रदायक गणेश. बोलते हैं ना कि न चौर्यहारम न राजहार्यम न च भारकारी न भातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम. न चौर्यहारम, ना कोई चोर चुरा सकता है हमसे, न राजहार्यम, ना कोई राजा छीन सकता है, ना कोई पॉलिटिशियन छीन सकता है हमसे, न भातृभाज्यम. हमारे फैमिली में बंटवारा होता है प्रॉपर्टी का, वैसे उसका भी बंटवारा कोई छीन नहीं सकता आपसे. न भातृभाज्यम न च भारकारी, और ये हेवी भी नहीं है. नॉलेज, द रियल प्योर नॉलेज विच मेक्स यू लाइटर इन लाइफ. न च भारकारी बोलते व्यय कृते वर्धते नित्यम. जितना व्यय करना मतलब क्या? खर्च करना. जितना आप इसको खर्च करते जाओगे, ज्ञान को बांटते जाओगे, व्यय कृते वर्धते नित्यम, उतना बढ़ता जाएगा वो. विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का धन है, जो विद्या धन है वो सभी धनों में ऊपर का स्थान है, श्रेष्ठ है वो. और वो विद्या देने वाले, उतनी कुशाग्र बुद्धि बनाने वाले देवता कौन है?
गणपति. सो हु वॉज मौर्या? इट्स नॉट दैट गणपति तुम आपकी जय हो, मौर्या मी जय, ऐसे नहीं है. ऐसे बोलते हैं ना भाई, भक्त के जीवन में सबसे बड़ी पहचान हो तो उसके भगवान से, उसके गुरु के नाम से हो, है कि नहीं? या छोटे मोटे चीजें काम हम करते उससे लोग पहचानते तो गर्व आता है, और जब गुरु के नाम से, भगवान के नाम से जब जाना जाता है तो जीवन एक गौरवशाली हो जाता है फिर. सो वही एक भक्त का नाम है मौर्या गोस्वामी, जिसका नाम इतना भक्ति थी उनकी गणेश के ऊपर, गणपति के ऊपर, कि उनको वरदान नहीं मिला, उनके भक्ति से ही उनको जाना गया आगे, कि भाई आज के बाद जिसके ऊपर तेरी असीम निस्सीम भक्ति है उस भगवान के नाम के साथ ही तेरा नाम जुड़ जाए. इसलिए बोलते हैं गणपति बापा मौर्या, कि भाई वो भक्त और वो जिसके ऊपर भक्ति है वो भगवान, वो गुरु अलग नहीं है, वो एक है. ये सच बात है. सो इन मौर्या गोस्वामी से हमको ये सीख मिलती है कि हमारा लक्ष्य हमारा गुरु हो. जय गुरुदेव.